ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स आज पशु चिकित्सा मेडिसिन में जो हम कंटिन्यू हैं, तो आज फोर्थ चैप्टर तो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें बीमार व नवजात पशु की देखभाल, बीमार व नवजात न्यूली बॉर्न, केयर ऑफ सिक एंड न्यू बॉर्न एनिमल्स, उसकी देखभाल आप कैसे करोगे। नवजात बच्चे की देखभाल साधारणतया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, इसलिए माँ को गर्भकाल की अंतिम तिमाही में संतुलित आहार देना चाहिए, अन्यथा बच्चा कई बीमारियों को लेकर के जन्म लेगा। बिल्कुल सही है ये, जहाँ पहले से ही एक गर्भवती, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, अगर उसकी संभाल हम शुरू में करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उसके परिणाम यानी कि बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। जन्म लेने के बाद नवजात बछड़ा बच्चियां आदि का निम्न प्रकार से देख रेख करना आवश्यक है। तो जन्म के बाद पहला जो स्टेप हम लेते हैं वो हम देखते हैं, जैसे गाय या भैंस ब्याती है तो उस पर जो झिल्ली होती है तो जल्दी से उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको तुरंत हटाओ। श्लेष्मा झिल्ली को मुंह पर से हटाना, क्योंकि नहीं तो सांस कैसे आएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो ये रिमूवल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम नोज एंड माउथ, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है बच्चे के फेफड़े अपना कार्य नहीं करते, उसे भोजन व ऑक्सीजन माँ के रक्त से बच्चे की नाभि अम्बिलिकल नेवल कॉर्ड से मिलती है। ज्यों ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है उसका श्वसन तंत्र काम करने लग जाता है, इसलिए जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी बच्चे के थूथने यानी कि नॉस्ट्रिल तथा मुंह से म्यूकस को तुरंत हटा दें। यदि नवजात श्वास नहीं लेता तो तुरंत निम्न कार्रवाई हमें करनी चाहिए, तुरंत कृत्रिम श्वसन की क्रिया हाथ से शुरू करें। नवजात के पिछले पैरों को पकड़कर उल्टा लटकाकर हिलाएं, ताकि यदि कोई म्यूकस श्वास तंत्र में होगा तो बाहर आ जाएगा। नवजात के कान में जोर जोर से फूंक जो है मारनी चाहिए। और एक जो खास बात इसमें नहीं लिखी है लेकिन मैंने प्रैक्टिकल इसको किया है और ये देखा है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ठंडा पानी आप जो है पास में रखें या मंगा लें उसी समय में ठंडा पानी, और बच्चे के ये जो जगह है उसका सर होता है ना पीछे, आगे नहीं किसी प्रकार से, यहां इतने पोर्शन पे ठंडा पानी लेके जो है वो थपथपाएं, तो बच्चा जो है तुरंत सिर को हिलाएगा, एकदम से सिर को जैसे हिलाएगा कोई यूं करेगा तो अगर कोई अंदर नाक में है म्यूकस तो वो तुरंत जो है वो बाहर आ जाती है, यूं दो चार बार यूं हिलाने से, और वो बच्चा तुरंत सांस लेना शुरू कर देता है। ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ है, आम तौर पर गांव में ये प्रैक्टिकल करते हैं। अगर इस अवस्था से नहीं काम चले तो पैरों को पीछे बड़ों को उठा करके और उसको उल्टा लटका देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो बच्चे के लिए वो है नाभि काटना, कटिंग ऑफ नेवल अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि पर टिंचर आयोडीन लगाकर अम्बिलिकल कॉर्ड को दबाएं ताकि उसमें उपस्थित द्रव्य बाहर निकल जाए। शरीर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक निसंक्रमित धागा बांध दें तथा बांधे हुए स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे निसंक्रमित कैंची अथवा ब्लेड, नई ब्लेड लें तो नई लें जो शेविंग ब्लेड होती है से ही उसे काट दें, एवं नेवल के कटे हुए हिस्से को टिंचर आयोडीन में डुबा दें ताकि नाभि संबंधी रोग नवजात को नहीं हो, जैसे नेवलिल हो जाता है बच्चों को इनको। तो ये सबसे एक और ही बेस्ट तरीका जो गांव में आमतौर पे हम अपनाते हैं, क्योंकि माँ की तरफ से तो वो हट ही गई है, दूर से हटा लेते हैं काफ़ी दूर से, और फिर क्या करते हैं उसकी गांठ बना के
गांठ लगा देते हैं उसके, एक इंच जो जगह छोड़ के, डेढ़ इंच जगह छोड़ के, जैसे ही आपने गांठ लगाया, और गांठ लगाने के बाद में गांठ से एक कम से कम एक इंच छोड़ करके और उसको ब्लेड से काट देते हैं। इससे आप क्या फायदा है, अब गाँव में ना टिंचर आयोडीन होती है, ना कोई ऐसी सुविधाएं होती है, ना वहाँ कुछ भी नहीं होता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए तब है जब ऐसी अवस्था आपके पास हो, लेकिन आप पास में होंगे ऐसा तो फिर आपके पास टिंचर आयोडीन या एंटीसेप्टिक कोई भी होगा वो तो आप लगा ही देंगे। तो अगर आप इस तरह कर देते हैं तो भी क्या होता है कि जहाँ आपने टाइट करके गांठ लगा दी उसी से ही, नाभि से ही, वहाँ से टाइट हो जाएगी और वो अपने आप सूख के जो नीचे वाला पोर्शन अपने आप गिर जाएगा और ऊपर वाली नाभि जो इतना सा है वो भी अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगी। तो ऐसा भी गाँव में करते हैं। खीस पिलाना, फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जन्म के बाद माँ के चारों थनों से कुछ दूध बाहर निकालकर नवजात को माँ का प्रथम दूध जिसे खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, तुरंत जीर गिरने के पहले ही ऐन व थनों को साफ करके पिलाना चाहिए। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन है ये। अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो जीर पड़ने में देरी हो सकती है, क्योंकि जब मूंग बच्चा थनों को लगाएगा तो माँ को इसका एहसास होगा और ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन रिलीज होगा जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा, और जैसे यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा तो वो जेर बाहर आएगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रोल अदा करता है। और जब ये ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है तो ये जो कॉटिलीडेंस है उनको भी हटाने में मदद, उससे उसको भी जेर को रिलीज करने में जो मदद करेगा। इस खीस के निम्न फायदे हैं, खीस में वाई ग्लोबुलिन प्रोटीन, अंडरलाइन कर लेना, होता है जो नवजात को कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पैदा कराता है। खीस नवजात के पेट में गर्भावस्था के दौरान एक मल जिसे मकोनियम कहते हैं उसे आसानी से बाहर निकाल देता है। मिकोनियम लेई जिसको बोलते हैं, बोला है ना ब्याई बच्चे ने लेई नहीं करी, ये आम भाषाओं में आपको पता होना चाहिए ये मिकोनियम क्या है, लेई। खीस में विटामिन ए, विटामिन बी, कॉलिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन तथा पेंटोनिक एसिड अमल प्राप्त मात्रा में होता है जो नवजात की शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी है। यदि नवजात को किसी भी कारण से खीस नहीं मिले तो उसे कृत्रिम खीस अन्य अभी तुरंत ब्याई हुई अन्य मादा का दूध भी अवश्य पिलाना चाहिए, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो अन्य अगर ब्याई हुई मादा है तो बहुत बढ़िया, बजाय कृत्रिम के। तो कृत्रिम खीस कैसे बनता है, मुर्गी का अंडा एक लें, टेरामाइसिन पाउडर उसमें आधा ग्राम मिला दें, कोल्ड लीवर ऑयल 5 ml मिला दें, अरंडी का तेल 15 ml मिला दें और गुनगुना पानी 0.28 liter मिला करके और इसको दिन में 3 या 4 बार उसको जो है वो पिलाया जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कृत्रिम खीस बनाना, 2 नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद अच्छी तरह से कर लें। नवजात को अपने शारीरिक वजन का 10% दूध अधिकतम 5 से 6 liter प्रतिदिन जो है वो देना चाहिए। स्प्रेटा दूध पिलाना, फीडिंग ऑफ स्किम्ड मिल्क 3 सप्ताह बाद नवजात को पूर्ण दूध होल मिल्क की मात्रा कम करके स्प्रेटा दूध पिलाना चाहिए। होल मिल्क के बाद में फिर स्किम्ड मिल्क जिसमें से फैट को रिमूव किया है। स्प्रेटा दूध को पिलाने से पूर्व इसे शरीर के तापमान तक गर्म करके ही पिलाना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर जब नवजात 2 सप्ताह का हो जाए तब शुरू करना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर मिल्क की जगह कुछ और देते हैं, खिलाना शुरू कर देते हैं ताकि मिल्क जो है वो रिप्लेस हो जाता है उसकी जगह। उसके बाद में काफ स्टार्टर खिलाना, फीडिंग ऑफ काफ स्टार्टर
बच्चा जब 3 माह का हो जावे तो उसे काफ स्टार्टर खिलाना चालू कर देना चाहिए। नवजात के टैटूइंग करें तथा अलग अलग बाड़ों में पैन में अथवा एक साथ सभी नवजात बच्चों को सप्ताह तक रखें। सींग रोदन 15 दिन की उम्र पर कर दें, 10 से 20 दिन इसका उपयुक्त है टाइम, तो आप 15 दिन पे इसको कर दें। नवजात मादा है और उसे के यदि कोई अतिरिक्त थन है, कई बार होते हैं ना 5वां थन है, तो उसे हटा दें। यह क्रिया 1 से 2 माह की उम्र में ही कर देनी चाहिए। नवजात जब 3 माह का हो जावे तो निम्न बीमारियों का टीकाकरण जो है वो लगाना चाहिए, जिसमें HSBQ, एंथ्रेक्स, ये BO नहीं है, BQ है इसको, क्यों करें, एंथ्रेक्स आदि, इनके इंजेक्शन इसके 3 माह पर लग जाने चाहिए। तो अब ये तो था नवजात को संभालना या नवजात का पूर्व न्यूट्रिशन उसको अच्छा देना, ये कुछ बातें हमने आपसे साझा की है। तो अब जो है स्वस्थ एवं बीमार पशु के विभिन्न शारीरिक लक्षण। पशु स्वस्थ है अथवा बीमार है, यह सब पशु का बाह्य लक्षण देखकर ही पशुपालक पशु चिकित्सक को निदान कर लेना चाहिए, अर्थात यह निदान बिना प्रयोगशाला जांच के ही करना चाहिए। अतः पशु स्वस्थ अवस्था अस्वस्थ, पशु स्वस्थ अथवा या अस्वस्थ अवस्था में यह पशु द्वारा प्रदर्शित रोग लक्षण पर आधारित होता है, न कि प्रयोगशाला जांच पर। लक्षणों के आधार पर रोग निदान करना एक कला है जो पशु पालक या पशु चिकित्सक के कुशल अनुभव पर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं स्वस्थ पशु की क्या निशानी है, इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको, क्योंकि पूछा जाएगा, क्योंकि जब स्वस्थ का ही नहीं पता तो बीमार का पता कहाँ से लगाओगे। स्वस्थ पशु हमेशा सतर्क होगा, उसकी आंखें स्पष्ट ब्राइट होंगी तथा चमकदार ग्लोसी होंगी, पूर्ण शरीर चमकीला शाइनिंग बॉडी कोट होगा, पशु के मजल पर बूंद बूंद पानी की जो है वो पसीना होगा, यूं कहीं होंगी, और थूथन जो है वो ठंडा होगा मजल। पशु का व्यवहार, चलना फिरना, बैठना उठना, जुगाली मल मूत्र त्याग की प्रकृति, मात्रा व रंग साधारण होगा, खाना पीना, उत्पादन कार्यक्षमता नस्ल के अनुसार साधारण होगी आदि, उपयुक्त सभी साधारण हैं तो पशु स्वस्थ है। अगर ये साधारण हैं सभी के सभी तो पशु स्वस्थ है। अस्वस्थ पशु के लक्षण, पशु में उपयुक्त लक्षणों में ज्यों ही प्राकृतिक बदलाव नजर आए ऐसी अवस्था को रोगी अवस्था कही जाती है, और इस अवस्था में निम्न प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। पहला है उसका व्यवहार, बिहेवियर। तो ये तो काफी लंबा रहेगा, इसको नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इसको पूरा करने का प्रयास करें। चलिए व्यवहार अब आ गया है तो अब इसको देख ही लेते हैं। साधारणतया स्वस्थ पशु फुर्तीला अथवा ब्राइट होता है, सुस्पष्ट होता है। रोगी पशु में निम्न हालात, डल होगा वो, निष्क्रिय, डमी होगा, डमी दिखावटी को कहते हैं डमी, शांत, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस लिखा है तो ये शांत रेस्टलेस होगा, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, यस रेस्टलेसनेस, ओके। उसके बाद में आता है मोनिया, असाधारण मूवमेंट, पेट पर लात मारना, अखाद्य पदार्थों को खाना आदि, पागलपन, ऐसे भी कई बीमारियां हैं जिनमें, फ्रेंजी यानी कि पशु अनियंत्रित हरकत करे,
पशु मालिक वन्य पशुओं पर आक्रमण करे आदि, तो जैसे रेबिड होता है उसमें ये लक्षण आते हैं, तो वो बीमारी है। शारीरिक हालत, बॉडी कंडीशन, शरीर की त्वचा व शारीरिक बनावट स्वस्थ पशु में साधारण होती है, अस्वस्थ में या तो मोटापा होगा, ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, ओबेस या ओबेसिटी, दुबला, थिन, एमेशिएटेड, कंकाल हड्डियां दिखती हों जिसकी, एमेशिएटेड, कैकेसिया, चमड़ी के नीचे चर्बी नहीं के बराबर, कैकेक्सिया यानी कि चमड़ी के नीचे जो है वो चर्बी है ही नहीं, सिर्फ हाथ लगाते तो हड्डियाँ महसूस होती हैं। हाइट बाउंड कंडीशन, त्वचा शरीर के चिपकी रहती है, पसलियाँ भी हड्डियाँ नजर आती हैं, हाइट बाउंड कंडीशन। एलोपेशिया, गंजापन, शरीर पर जगह जगह बालों का या ऊन का हट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भेड़ों में। लसिका ग्रंथियों की सूजन, लिम्फ ग्लैंड्स का सूजन जैसे थायलेरिया में होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, थायलेरिया बीमारी उसमें इसी से ही पहचान आती है, अगर लिम्फ ग्लैंड्स स्वेलिंग है तो ये जनरली इसी बीमारी में पाया जाता है, अगर विद टेम्परेचर है तो और भी क्लियर हो जाता है। पशु की आवाज, स्वस्थ पशु साधारण ध्वनि पिच में ही बोलता है तथा रंभाता है, जब उसे नियमित खाना पीना बंटा कंसंट्रेट नहीं मिले, पशु का नियमित समय पर दुग्ध नहीं निकालें अथवा मादा पशु पर आदि मधुमेह ना हो तो, आदि में मधुमेह ना हो तो, अगर है तो बोलता है, अदरवाइज उसका कोई, उसका बोलने का कोई वो नहीं होता, अगर उसको खाना नहीं मिला दूध के टाइम या वो हीट में तो बस यही समय होता है। ऐसा बस तो अनियमित अलग अलग तरह की ध्वनियाँ करता है। कर्कश स्वर, रेबीज बीमारी में कमजोर, वीक, गट में ओडिमा, गट में ओडिमा, गट कहते हैं ये इंटेस्टाइन का जो पूरा जो पार्ट है इसको गट कहते हैं, जीआई ट्रैक का इंटेस्टाइनल पार्ट। छोटी आवाज, पिंच्ड बिलोइंग, कीटोसिस रोग में, जब ये कीटोसिस रोग पढ़ेंगे अपने तो छोटी आवाज, लगातार रंभाना पेट दर्द में, और यामिंग विचलित, लगातार अलग 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 प्रकार से रेबीज बीमारी में सुबह सुबह उल्टी भी करना, ये इसका जो है लक्षण इन्होंने बताया है। तो अभी आज हम यहीं पे इसको लेक्चर को समाप्त करेंगे, तो नेक्स्ट जो है हम इसको फूड इनटेक से फिर कल जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।